सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपनी सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स एंड हैंडसम ब्रदर्स। और आज है दिन सोमवार और सोमवार होता है हमारा फास्ट, तो आज है सावन का लास्ट सोमवार। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है। तो आज हमारी पूजा हमारे बच्चे किए हैं और आज हम फ्री हैं। तो और चलिए आज देखिए आज स्पेशल क्या क्या बनाते हैं। अभी हमारे भैया आने वाले हैं तो राखी बांधेंगे, वो सब हम आपसे शेयर करेंगे। और आप लोग अपना रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्लीज़ हमसे शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और आज बहुत ढेर सारी और प्यारी प्यारी आपसे बातें भी होंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरी ड्रेस और रक्षाबंधन स्पेशल, इसे हमने मीशो से मंगाया। बताइए हम कैसे लग रहे हैं? बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, इसका कपड़ा बहुत ही सुंदर है और बहुत ही रीजनेबल रेंज में है। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से आज का हम लंच ही बनाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट आज कुछ नहीं आ, जैसे हल्का फुल्का सा चाय वाय पी लिया सब कोई, और क्या कहते हैं अब खाना फटाफट से बना लेंगे और फिर राखी बांधेंगे, उसके बाद से लंच करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। तो चलिए फ्रेंड्स आज का फेस्टिवल स्पेशल लंच बना लेते हैं। स्पेशल तो कुछ नहीं है, मगर चूंकि आज फेस्टिवल है तो जो भी है सब स्पेशल ही है। तो सबसे पहले तो बन रही है खीर, हमें लगता है ये तो हर घर में आज बनेगी, और साथ में बन रहा है पनीर। तो पहले तो हम सोचे थे कि मटर पनीर बनाएंगे, बट वो जो फ्रोजन मटर होता है वो पता नहीं क्यों उनको अच्छा नहीं लगा तो उसको नहीं डाले, तो सिर्फ पनीर ही सिंपल पनीर ही बनाए। तो हमने पहले भी रेसिपी जो खीर की शेयर कर चुकी है, तो इसलिए बहुत डिटेल में तो नहीं बताएंगे, बट आप देख लीजिए। हमने चावल को यहाँ पे धूप में डाल दिया है और यहाँ पे साइड में पनीर भी तल ले रहे हैं। और आप लोग आज का दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आप लोगों ने क्या क्या डिशेस बनाई, कैसा रहा आपका राखी का दिन? अभी तो लॉकडाउन की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो बहुत भाई बहनों का मिलना नहीं हो पाया होगा, मगर हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो कॉल पे ही आप लोगों ने बात की होगी और थोड़ा सा खट्टा मीठा अनुभव इस लॉकडाउन पीरियड का रक्षाबंधन का भी सभी का होगा। तो हमारी यहाँ पक रही है खीर और फटाफट हो भी गई, और यहाँ पे हम अब चल रहे हैं फटाक से बना लेते हैं पनीर। तो हमने यहाँ पे सूखी लाल मिर्च दो तीन ले ली है तोड़ के, और जीरा मेथी हींग, और साथ में हमने डाल दी है काले मिर्च इलायची और थोड़ी सी लौंग। मेरे गले की प्रॉब्लम से कभी कभी जब ज्यादा बोलते हैं तो चलती रहती है, और हमने यहाँ पे लहसुन और मिर्चा भी डाल दिया, सब कुछ डाल के नमक डाल के मिक्स करके सीटी लगा लेंगे। देखिए आ भी गए ये लोग। भाभी यहाँ बता रही है कि सोची है कि बुआ कंबल में है, तो बोल रही थी कि बुआ मम्मी बुआ कहाँ है। तो चलिए सब कोई आ भी गया है और अब राखी बांधने का टाइम हो गया है, तो हम चलिए अली तो इसको बना लेते हैं और फिर राखी बांधते हैं।
world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. हमने यहाँ पे मसाले में गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी डाल के इसको थोड़ा सा भून लिया था. लहसुन, प्याज, मिर्चा जो भी हमने कलाने के लिए रखा था. और अब इसमें हम पनीर मिक्स कर देंगे, पानी डाल देंगे और उसको ढक के पका लेंगे. तो लीजिए, आज का हमारा स्पेशल फेस्टिवल लंच तैयार है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा देख के. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you from a distance. और छोटे बच्चों का इतना प्रॉब्लम होता है कि वो जब तक ये नहीं समझते हैं कि किसी फेस्टिवल का क्या मतलब होता है, वो ऐसी ही हरकतें करते हैं. अब ये देखिए, इतना रोई जा रही है, इसको लग रहा है कि इसकी मम्मा को हम क्या कर रहे हैं. इसी तरह जब भैया को भी बांध रहे थे तो वो भी रोए जा रही थी, बोल रही थी नहीं करो नहीं करो. और इनका रोना बंद ही नहीं हो रहा था. इन्होंने किसी को राखी नहीं बांधने दे रही थी और खुद भी भैया लोगों को राखी नहीं बांधी. और यहाँ पे हम लोग सब लोग लंच करके और चिल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है भैया भाभी से. तो चल रही है आपस में कपिल लड़ाई जा रहे हैं और साथ में भैया पिया भी जा रहा है. देखिए यहाँ पे राखी बंधवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है. सभी लोगों के पसीने भी छूट गए हैं. ए भगवान, इन बच्चों को कौन समझाए. देखिए बारी बारी से सब लोग ट्राई कर चुके हैं कि प्लीज राखी बांधो, मगर ये नहीं बांधेंगी. फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग का हम यहीं पे करते हैं और मिलेंगे हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन. हैप्पी रक्षाबंधन.